नमस्कार बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास टेंथ एस एस टी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर फिफ्टी सिक्स या आपकी थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन की वर्कशीट रहेगी इन टुडे इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वर्कशीट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द थर्ड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज मनी एंड क्रेडिट इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट में हमने मनी के बारे में डिस्कस किया था यानी मनी का रोल क्या होता है आपके पास नोट होंगे ना आपके पास नोट है आपके पास एटीएम कार्ड्स है आपके पास फ़ोन पे है गूगल पे है ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी आ जाते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इनको कह सकते हैं ओके अब ये तो अब है उससे पहले क्या था उससे पहले जब मनी नहीं थी तो उस वक्त क्या होता था बाटर सिस्टम था तो ये हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि जब मनी नहीं थी जब करेंसी नोट्स नहीं थे तब क्या होता था कैसे ट्रेड होता था कैसे परचेज करते थे ओके तो वो हमने समझा और उसके बाद हमने समझा कि जब मनी आ गई तो क्या क्या बदला है क्या क्या इश्यू है इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो क्रेडिट के साथ डील करता है क्रेडिट मतलब लोन ओके लोन समझते हो ना ऋण लेना किसी से पैसे से उधार लेना वो लोन है क्रेडिट है तो इस सेकेंड पार्ट में हम समझ रहे हैं कि क्रेडिट हम कहाँ से ले सकते हैं बैंक क्रेडिट क्यों देता है क्रेडिट के कौन कौन से सोर्सेज है जो प्रीवियस वर्कशीट थी उसमें हमने बात की थी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दो सोर्स है फॉर्मल मतलब बैंक हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज इनफॉर्मल मींस और फ्रेंड्स रिलेटिव्स और बिजनेसमैन ट्रेडर्स तो वो इनफॉर्मल हो गया हम दोनों जगह से लोन ले सकते हैं लेकिन बेटर कहाँ से रहता है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से फॉर्मल सोर्स यानी कि बैंक से अगर लें तो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट कम रहता है ईजी इंस्टॉलमेंट में हम उसको पे कर सकते हैं उसमें टर्म्स कंडीशन फिक्स रहती है क्लियर ये सब कुछ हम समझ चुके हैं आज क्या बात करेंगे उस पर आते हैं मुद्दे की बात करते हैं तो आज हम क्रेडिट की ही बात करेंगे ये क्रेडिट क्या होता है दोबारा से समझेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है यह हम समझेंगे और यह समझेंगे कि लोन है वो पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकता है और नेगेटिव भी दो एग्जाम्पल लेंगे और एंड में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में तो चलिए देखते हैं इस वर्कशीट में क्या कुछ कैसे दिया गया सबसे पहले हमें क्रेडिट की बात करनी है कि क्रेडिट है क्या क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द विद द मनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न टू द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट कि क्रेडिट क्या है क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होता है इन विच लैंडर्स प्रोवाइड द सर्विस गुड्स और मनी किसको प्रोवाइड करेगा बोरोवर्स को जिसको चाहिए ओके okay. किसके लिए फॉर द प्रोमिस ऑफ द रिटर्न इन द फ्यूचर यानी कि एक प्रोमिस किया जाता है कि मैं फ्यूचर में लौटा दूंगा हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं होता उसके साथ ये होता है विद इंटरेस्ट ब्याज के साथ अदरवाइज तो वो देगा क्यों ओके okay. यानी कि लोन क्या है लोन एक समझौता होता, होता है एक एग्रीमेंट होता है जिसमें जो लेंडर है लेंडर मतलब जो देने वाला है वो बोवर्स को देता है इस प्रोमिस के साथ देता है कि वो फ्यूचर में विद इंटरेस्ट उस चीज़ को लौटा देगा चाहे वो पैसा हो चाहे वो सर्विस हो चाहे वो सामान हो ओके okay, तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिट आप सामान लेते हो किसी से उधार तो वो भी क्रेडिट है क्लियर आपने कोई सर्विस दी तो वो भी क्रेडिट है उधार हो गया ना आपका आपने पैसा लिया तो वो तो क्रेडिट है ही है यानी कि लोन किसी भी चीज़ का हो सकता है तो लोन क्या है क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट बिटवीन द लेंडर्स एंड द बोरोवर्स दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है इन विच बोरोवर्स गिव प्रोमिस टू रिटर्न दैट मनी गुड्स सर्विस इन फ्यूचर विद इंटरेस्ट यानी कि इसमें बोरोवर्स एक प्रोमिस करता है कि वो फ्यूचर में वो चीज़ें लौटा देगा जिससे लेंडर से ली गई है तो उसे हम लोन कहेंगे क्रेडिट कहेंगे ऋण कहेंगे क्लियर अब जो लोन है जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में बात की थी कि वी कैन टेक द क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट दोनों जगह से ले सकते हैं फॉर्मल से लेना बेटर रहेगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा तो वहाँ से अगर हम लेंगे तो कुछ कंडीशंस वहाँ पे अप्लाई होती है तो उसे बोलते हैं टर्म्स ऑफ कंडीशन कि वैन वी वॉन्ट टू टेक द लोन फ्रॉम ए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट वी हैव टू फुलफिल द सर्टन कंडीशनस हमें कुछ सर्टन कंडीशन को फुलफिल करना होता है दीज कंडीशंस आर नोन एज टर्म्स ऑफ कंडीशन कहा जाता है इंक्लूड्स इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है फर्स्ट आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे बैंक में जाएंगे पूछेंगे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाओगे ओके okay, लगाओगा का मतलब ये नहीं कि ठीक ठीक लगा लो सब्जी मंडी नहीं है लेकिन आइडिया रहता है एक बैंक से दूसरे बैंक में लिटिल बिट डिफरेंस हो सकता है तो हम कंफर्म तो करेंगे ना पहले उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें पे करना होगा तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज डिसाइडेड द रेट वी डिसाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट वेन वी वॉन्ट टू टेक द क्रेडिट सेकेंड है कोलेट्रल्स कोलेटरल्स मीन्स दैट वी नीड टू गिव समिंग एज अ गारंटी हमें कुछ गारंटी के तौर पे देना होगा बैंक को ओके okay. क्या भरोसा हम लेकर के वापस ना दें तो बैंक क्या करेगा उसी को बेच करके अपना पैसा वसूल लेगा तो वो बैंक है वो गारंटी के तौर पे रखता है दूसरा ये कि कितना दे हमें हम तो पाँच करोड़ मांग लेंगे वो ये देखेगा भाई हैसियत कितनी है आपकी तो इसके लिए हमें कोलेटरल्स देने होते हैं दैट इफ़ यू वॉन्ट टू टेक द लोन फ्राम द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट टू और द बैंक वी नीड टू डिपोजिट द कोलेट्रल्स हमें कोलेट्रल्स को जमा करवाना होगा कोलेट्रल्स मतलब इट कैन बी योर प्लॉट इट कैन बी योर हाउस इट कैन बी योर व्हीकल ओके एनिमल्स ये सारी चीज़ें कोलेट्रल्स में आ सकती है जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में भी है अगर वर्क uh, करा है उसकी अच्छी खासी सैलरी है तो सैलरी स्टेटमेंट है उसके बेस पर भी लोन मिल जाता है गोल्ड उसके बेस पर लोन मिल सकता है ओके okay, तो ये कोलेट्रल्स में आएंगे जो हम गारंटी के तौर पे वहाँ जमा करवाएंगे तो ये भी टर्म्स ऑफ कंडीशन में आ जाएगा सेकंड इज थर्ड आ जाएगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दैट इफ यू वांट टू टेक द लोन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया सेकेंड थिंग दैट हमने बता दिया कि भाई ये जो सामने गाड़ी खड़ी है ना ये अपनी गाड़ी है ओके okay, हो गया कोलेट्रल्स थर्ड डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड्स द आधार कार्ड फैमिली आई ओके प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एंड कोलेट्रल्स के डॉक्यूमेंट्स अब मैंने बता दिया कि भाई सामने खड़ी है वो गाड़ी मेरी है क्या गारंटी है वो मेरी है डॉक्यूमेंट्स मुझे देने पड़ेंगे बैंक ऐसे नहीं मानेगा ओके तो ये थर्ड कंडीशन रहेगी फोर्थ कंडीशन है, है मोड ऑफ़ रीपेमेंट मोड ऑफ़ रीपेमेंट हालांकि हालाँकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं कि हम कैसे लौटाएंगे कितने टाइम में लौटाएंगे पीरियड ऑफ टाइम एंड द वे ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ओके इंस्टॉलमेंट्स है वो किस वे से हम लेंगे ओके इट can be मंथली इट can be थ्री मंथली सिक्स मंथली तो किस टाइप से देंगे तो वो सारी चीज़ें भी उसमें डिस्कस की जाती हैं ये भी टर्म्स ऑफ कंडीशन में आ गया। यानी कि यहाँ पे फोर यहाँ पॉइंट्स होते हैं टर्म्स ऑफ कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड कोलेट्रल्स थर्ड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड फोर्थ वन इज़ द मोड ऑफ रीपेमेंट तो इसको बोलते हैं हम टर्म्स ऑफ कंडीशन और टर्म्स ऑफ क्रेडिट उसके बाद देखिए दो एग्जाम्पल और दिए गए जिससे हम समझेंगे कि जो हम क्रेडिट लेते हैं क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है यह हमारे लिए इशू क्रिएट करता है तो दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है कि जब हम क्रेडिट लेते हैं तो डिपेंड करता है ये हम किस पर्पज़ से ले रहे हैं जिस पर्पज़ से ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितना ज़्यादा रिस्क है तो यहाँ पहला एग्जाम्पल दिया गया क्रेडिट एज एन असिस्ट कि क्रेडिट एक असिस्ट बन जाता है हमें काफ़ी मोटा मुनाफा दे देता है अगर हम ठीक तरीके से उसको यूटिलाइज़ करते हैं एग्जाम्पल दिया गया ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन अ शू मैन्युफैक्चरर सलीम हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ मेकिंग शूज़ इन बल्क कि उसे बहुत सारे शूज़ बनाने का ऑर्डर मिल जाता है कब मिलता है फेस्टिवल सीजन में विद इन वन मंथ्स टाइम और एक ही महीने का उसे टाइम मिलता है टू कम्प्लीट दिस प्रोडक्शन ही हायर्स एक्स्ट्रा वर्कर्स अब इस प्रोडक्शन को कम्प्लीट करने के लिए वो एक्स्ट्रा वर्कर को हायर करता है एंड हैज़ टू परचेज द रॉ मेटेरियल और उसे रॉ मेटेरियल भी खरीदना पड़ता है ही आज द सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रोमिस टू पे हिम लेटर अब वो क्या करता है दो जगह से लोन लेता है क्रेडिट लेता है एक तो वो लेदर सप्लायर को बोलते हैं कि भाई लेदर सप्लाई कर दो एक महीने के बाद पेमेंट दे दूंगा ओके वो क्रेडिट हो गया क्रेडिट किसका हो गया गुड्स का क्रेडिट हो गया उसके बाद देन ही टेक्स सम एडवांस पेमेंट फ्रॉम ट्रेडर और उसके बाद जिसने ऑर्डर दिया था उससे एडवांस भी ले लेता है भाई कुछ तो एडवांस दो यानी कि ये दो जगह से लोन मिल जाता है उसको ओके By the end of the month he is able to deliver the order and make a good profit and repay the money he had borrowed. और वन मंथ के बाद वो क्या करता है ऑर्डर को डिलीवर कर देता है अच्छा मोटा मुनाफा होता है और जो पैसा लिया था पहले उधार वो लौटा देता है चुकता कर देता है यानी कि यहाँ देखिए क्रेडिट लिया प्रॉफिट बढ़ा ऐसे ही करके वो अम्बानी अडानी बनते हैं ओके अम्बानी अडानी की बात आ गई तो वो भी हजारों करोड़ रुपए की अगर बात करें तो लोन लिया होता है तो ये पहला एग्जाम्पल देखा दैट क्रेडिट एज एन असिस्ट दैट इफ यू टेक द लोन फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज एंड इट कैन इंक्रीज आवर इनकम इनकन इट कैन इंक्रीज आवर प्रॉफिट बढ़ जाता है ओके okay. उसके बाद सेकेंड है क्रेडिट एज ए डैट ट्रेफ क्रेडिट है वो हमारे लिए ऋण का जाल भी बन सकता है ओके okay. तो यहाँ कैसे बनेगा या फार्मर सौप नाम एक मीडियम स्मॉल फार्मर है ये पिक्सअप ए लोन फ्राम अ मनी लैंडर मनी लैंडर से वो लोन लेती है यानी कि किस सोर्स से लेती है इनफॉर्मल सोर्स से टू मीट द एक्सपेंसिस ऑफ कल्टिवेशन के एक्सपेंसिस को पूरा करने के लिए वो लोन लेती है बट अनफॉर्चुनेटली द अनफॉर्चुनेटली द क्रॉप वॉज हिट बाय द पेस्ट लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है उसके साथ कि उसकी जो क्रॉप्स है वो पैड्स के कारण खराब हो जाती है ओके okay? जो पेस्ट्स हैं पेस्ट है, के कारण खराब हो जाती है एंड देर वॉज ए क्रॉप फेलियर और फसल बर्बाद यानी कि जब पेस्ट हो गए काफ़ी सारे तो पेस्ट के कारण कीड़े हो गए आमतौर पर ऐसा होता है फसलों में अटैक कर दिया जाता है तो उसके कारण पूरी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है सो शी इज़ अनेबल टू रीपे द लोन इसलिए वो लोन को रीपे नहीं कर पाती एंड डेट ग्रोज लार्जर दैन लार्जर विद द इंटरेस्ट और जो उसका लोन है वो और ज़्यादा बड़ा होता जाता है क्योंकि इंटरेस्ट भी एड होता रहेगा तो ये सेकेंड केस था इसमें हमने देखा कि किस तरीके से वो सपना है वो डेट ट्रैप में फंस जाती है क्योंकि फसल फेल हो गई और फसल फेल हो गई तो वो दे नहीं पाई अब नेक्स्ट क्रॉप के लिए दोबारा उसको चाहिए तो वो बढ़ता जाएगा तो ये दोनों सिचुएशन में हमने देखा कि क्रेडिट है इट कैन बी बेनिफिशियल और ये हमारे लिए समस्या भी खड़ी कर सकता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क कि हम किस पर्पस के लिए उसको ले रहे हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर फार्मिंग में हमेशा रिस्क होता है तो यहाँ पे लोन लिया जाएगा तो रिस्क ही होगा ओके स्पेशली uh, जो मीडियम और स्मॉल uh, फार्मर्स होते हैं उनके लिए तो किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारे लिए किस वे से पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव हो सकता है तो ये हमने क्रेडिट की बात की अब हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप की सेल्फ हेल्प ग्रुप ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि ये जनरली ऑर्गेनाइजिंग द रूरल पुअर स्पेशली द वीमेन ये फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट का एक ग्रुप होता है ओके इट कंसिस्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट जनरली द रूरल पीपल एंड स्पेशली द वीमेन इसमें जनरली जो रूरल विमेन होती है वो इसके मेम्बर्स होते हैं क्लियर जरूर नहीं कि ऐसा ही हो वीमेन ही हो मेल्स भी हो सकते हैं कंडीशन कुछ नहीं ऐसा लेकिन जनरली ऐसा होता है कि इसमें रूरल वीमेन है उनका एक ग्रुप होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड इट प्रोवाइड द लोन्स एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट इससे पहले एक और चीज़ समझनी होगी कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ ए ग्रुप ऑफ द पीपल रूरल पीपल जनरली कंसिस्ट ऑफ विमेन एंड इट कंसिस्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी मेम्बर इसमें होते हैं दे डू अ कॉमन वर्क दे परफॉर्म अन एक्टिविटी एक एक्टिविटी करते हैं कोई काम करते हैं ओके okay, कोई भी मिलजुल के काम करते हैं दे डू कॉमन वर्क ऑल टूगेदर एंड दे ऑल्सो डू द सेविंग अब मिल कर के वो काम करेंगे कोई ना कोई जैसे ये बना लीजिए कोई नमकीन बनाने का काम शुरू कर दिया पेस्ट ये पेस्ट्री वगैरह बनाने का काम शुरू कर दिया मनके बनाने का कोई भी काम हो सकता है जो मिल करके वो करेंगे एंड दे डू द रेगुलर सेविंग टू वो सेविंग भी करेंगे इट कैन बी टेन रुपीज़ पर मंथ इट कैन बी हंड्रेड रुपीज़ इट कैन बी फाइव हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ पर मेंबर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर इनकम इनके इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा उसकी वो सेविंग करेंगे एक कॉमन अकाउंट में वो पैसा वो जमा होगा क्लियर अब उसका क्या कर सकते हैं प्रोवाइड लोन एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट अब उनमें से किसी मेंबर को अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको वो रीजनेबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन दे देते हैं यानी कि लोन वहीं से ही मिल गया उन मेंबर्स को क्लियर जैसे घर में कोई मैरिज फंक्शन है ऐसा कुछ है तो वहीं से लो इंटरेस्ट रेट में मिल जाता है बैंक के आसपास का इंटरेस्ट रेट रहता है क्योंकि अदरवाइज तो उनको कहाँ से लेना होता है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से क्योंकि फॉर्मल से लेने के लिए तो कोलेटरल नहीं होते ना पुअर पीपल के पास कोलेट्रल नहीं है उनके पास तो लोन देगा नहीं बैंक तो यहाँ से उनको लोन मिल जाता है एंड प्रोवाइडिंग लोन्स विदाउट कोलेट्रल्स इसके साथ साथ एक और चीज़ ये है कि आफ्टर सेविंग रेगुलर सेविंग फॉर थ्री और फोर ईयर्स टू और थ्री ईयर्स कि अगर वो टू या थ्री ईयर्स के लिए रेगुलर सेविंग करते हैं तो बैंक है उनको विदाउट कोलेटर लोन दे देता है यानी कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं कलेक्ट कलेक्शन ऑफ सेविंग्स फ्रॉम द मेम्बर्स ये हालांकि इन्होंने आगे पीछे कर दिया हौच पहुंच कर दिया कहीं से उठा के कुछ लिख दिया ये यहाँ से होगा ये ओके यहाँ उसके बाद आ जाएगा तो यहां पे दोबारा से देखिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप इज जनरली कंसिस्ट ऑफ 15 टू 20 मेंबर्स एंड जनरली इट हैज़ पुअर वीमेन इसमें मेम्बर्स होते हैं दे डू ए कॉमन वर्क ए कॉमन वर्क करते हैं एंड दे डू द रेगुलर सेविंग्स वो करते हैं एंड दे प्रोवाइड द लोन एट रिजनेबल इंटरेस्ट रेट टू इट्स मेम्बर्स को वो अपने रिजनेबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन देते हैं एंड आफ्टर रेगुलर सेविंग जो सेविंग अगर वो रेगुलर करते हैं बैंक प्रोवाइड्स दम द लोन विदाउट कोलेट्रल से उनको लोन दे देता है बैंक ओके और इसके साथ साथ एक और एडवांटेज ये होता है एक एडवांटेज तो ये हो गया कि दे विमेन बिकम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है वीमेन ओके सेकेंड एडवांटेज ये होता है कि दे आर एबल टू सेव मनी वो सेविंग की उनमें हैबिट क्रिएट हो जाती है थर्ड एडवांटेज ये होता है कि नाउ दे कैन गेट द लोन फ्रॉम बैंक विदाउट कोलेटरल्स उनको बैंक से लोन मिल जाता है फोर्थ एडवांटेज क्या होता है इसे प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू डिस्कस वेरियस सोशल इश्यूज़ को वो डिस्कस कर पाते हैं फिफ्टीन टू ट्वेंटी है मान लीजिए कि डोमेस्टिक वायलेंस है कहीं पे कहीं पे ड्रग्स की इश्यूज़ है तो उसको डिस्कस कर पाते हैं और उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालते हैं तो ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनेगा ओके फोर फाइव पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें क्या कुछ होता है नाउ लेट्स टू द नेक्स्ट सेगमेंट और डिस्कस करेंगे इसी वर्कशीट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन टोटल फोर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिए गए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा वट डू यू अंडरस्टैंड बाई टर्म्स ऑफ क्रेडिट टर्म्स ऑफ क्रेडिट से आपका क्या मतलब है यह हमें बताना है क्या होता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द प्रोसेज ऑफ पेमेंट आर डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन जब हम लोन लेते हैं तो दो चीज़ डिसाइड करते हैं द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द प्रोसेज ऑफ पेमेंट ओके कैसे हम लौटाएंगे उसको अलॉन्ग विद दिस कोलेट्रल्स एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इसके साथ साथ कोलेट्रल की नीड होती है ओके okay? गारंटी के तौर पे जो जमा करवाएंगे और डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है ऑल दीज आर कोल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन चारों को ही हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं ओके okay, हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन को देखिए सेकेंड हमारा क्वेश्चन रहेगा राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी इंपोर्टेंस के ऊपर हमें एक नोट लिखना है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है इट इज जनरली अ ग्रुप ऑफ 15 टू 20 इंडिविजुअल का ये ग्रुप होता है इन दिस ऑल द मेंबर्स डू सम वर्क टूगेदर एंड मैक कलेक्टिव सेविंग्स इसमें सारे मेंबर्स से मिलकर के कोई काम धंधा करते हैं और कलेक्टिव सेविंग्स करते हैं मिलकर के सेविंग भी करते हैं सेविंग कैन बी हंड्रेड रुपीज पर मंथ पर मेंबर इट कैन बी टेन रुपीज पर मंथ पर मेंबर इट कैन बी फाइव हंड्रेड रुपीज पर मंथ पर मेंबर कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन देयर इनकम ओके दीज ग्रुप्स ऑल्सो गिव लोन्स टू देयर मेंबर्स एट लो इंटरेस्ट रेट भी अपने मेंबर्स को लोन भी दे देते दे हैं उसी सेविंग में से ओके okay. आफ्टर सेविंग कॉन्टिन्यूसली फॉर समाइम्स बैंक गिवस लोन विदाउट कोलेटरल्स और कुछ टाइम तक अगर वो रेगुलर सेविंग करते हैं तो बैंक उनको विदाउट कोलेटरल लोन भी दे देता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली फॉर सोशल रिफॉर्म्स के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि विमेन्स इकट्ठी होती है और मिल करके सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी डिस्कशन किया जाता है तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन नाउ लेट्स टू द नेक्स्ट वन थर्ड क्वेश्चन को देखिए थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया हाउ डज डेट ट्रेफ स्टार्ट जो डेप ट्रेट है वो कैसे स्टार्ट होता है हमें एक एग्जाम्पल के साथ बताना है ओके okay, सिंपली बता देंगे इतना काफ़ी रहेगा एग्जाम्पल अगर आप मेंशन करना चाहो तो सपना का एग्जाम्पल उठा करके लिख दोगे व्हेन अ पर्सन टेक्स टैक्स लोन इज नॉट एंड इज नॉट एबल टू रीपे द लोन ऑन टाइम कि जब कोई पर्सन लोन लेता है और टाइम पर उसको लौटा नहीं पाता द लोन अमाउंट इंक्रीज विद इंटरेस्ट और इंटरेस्ट मिल करके वो लोन का अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा दिस इज़ कॉल्ड द डेट ट्रैप इसे हम डेट ट्रैप कहेंगे वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सपना सपना का एग्जाम्पल यहाँ पर आप मैंशन कर सकते हो नाउ लेट्स मोटू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए फोर्थ फोर्थ में हमें दो एग्जाम्पल देने डेथ ट्रैप जो है डेप्ट या क्रेडिट कह लीजिए क्रेडिट प्लेज अ पॉजिटिव रोल इन पीप इन सलीम्स लाइफ सलीम की लाइफ में हमने देखा कि एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है उसकी इनकम बढ़ जाती है गिव एनी अदर टू एग्जाम्पल्स अराउंड योर फैमिली और रिलेटिव इन हुज लाइफ क्रेडिट हैज़ प्लेड अ पॉजिटिव रोल हमें दो एग्जाम्पल देने अपने आस पड़ोस से अपनी फैमिली से अपने रिलेटिव से जहाँ पर क्रेडिट ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हो ठीक पॉजिटिव रोल प्ले किया हो तो दो एग्जाम्पल है मिस्टर अनिल गोयल हु लिवस इन आर नेबरहुड अनिल गोयल है जो हमारे पड़ोस में रहते हैं स्टार्टेड हिज रेस्टोरेंट बाई टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक टूडेज इनकम इज इन लाक्स आजकल उसकी इनकम है वो लाखों में है मजे करा है बंदा ओके लोन लिया था तभी रेस्टोरेंट स्टार्ट कर पाया सेकेंड एग्जांपल है सिमिलरली रावत जी हु इज फ्रॉम उत्तराखंड टुक अ लोन एंड स्टार्टेड ए स्मॉल शॉप वो लोन लेते हैं एक छोटी सी शॉप स्टार्ट करते हैं हिज बिजनेस डिड वेल उनका काम धंधा अच्छा चलता है टूडे फोर फाइव सेल्स पर्सनस आर ऑल्सो वर्किंग विद हिम और आज चार पाँच सेल्स पर्सन भी उनकी उसी शॉप में काम करते हैं ओके तो ये दो पॉजिटिव एग्जाम्पल हैं क्रेडिट के तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी ईजी थी आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आज के लिए बस इतना ही थैंक यू बाय बाय अ नाइस डे